तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल एक्सट्रीम मोटो व्लॉगर। तो आज मैं जाने वाला हूँ कैंपटी फॉल और मेरे साथ एक भाई का बर्थडे है। तो यार बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे हैं। तो मेरे पीछे व्यू देखो यार, आप देहरादून का क्या। हूँ अभी इस टाइम पे थोड़ा मतलब मसूरी से थोड़ा नीचे, और ये माउंटेंस देखो यार क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये मेरे साथ आर्यन ब्रो, और क्या हाल चाल सबके। ये भाई आ रखा है मेरे साथ, और तो भाई यार अगर आप कैंपटी फॉल वगैरह जा रहे हो तो ये काफ़ी शॉर्ट रास्ता है, मतलब टॉल के पास से ये रास्ता कटता है ऊपर का। यहाँ पर आपको टॉल भी नहीं देना पड़ता इस रास्ते के लिए। अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो ट्रैफिक में मिलेगा और सीज़न के टाइम पर, और टॉल तो देना ही पड़ता है 10-20 रुपीज़ जो भी है टू व्हीलर का। तो मैं तो आपको यार ये वाला रास्ता प्रेफर करूँगा, और आप जल्दी भी पहुँच जाओगे यहाँ से। आपके 5-7-8 किलोमीटर जो है कम आपको पड़ जाएगा। प्रदीप भाई जिनको आपने मालदीव के ब्लॉग्स में देखा होगा, पिछले ब्लॉग्स में अगर नहीं देखा तो जाके बेल आइकन दे दूंगा, उसे जाके क्लिक कर लेना। और ये रहे सारे अपने भाई जो जा रहे हैं हमारे साथ कैंपटी फॉल, तो उस भाई का बर्थडे है जो पिंक टी शर्ट में। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। ये नज़ारे देखो यहाँ के, क्या प्यारा लग रहा है व्यू आपको, और रोड भी काफ़ी मस्त है। और यहाँ पर हल्की हल्की मुझे अब ठंडा सा महसूस होने लग गया। माउंटेन्स में जो ये होटल वगैरह मतलब घर वगैरह बने हुए काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। कार फोर व्हीलर तो भाई यहाँ पर एक्सपीरियंस वाला ही बंदा चला सकता है। सैटरडे संडे भी नहीं है, और ट्रैफिक अभी से देखो कितना लग रखा है यहाँ। मसूरी से 2-3 किलोमीटर नीचे ही है, और अच्छा हुआ हमने वाला रूट लिया था। मैं भी आपको भाई झड़ी पानी रूट वाला ही सजेस्ट करूँगा वहाँ से आना। तो अभी ITBP कैंप के पास पहुँच चुका हूँ मैं, मसूरी पहुँचने वाला हूँ। और ट्रैफिक देखो यार आप, मतलब ऐसे जाम में तो घूमने का मन ही सारा ऑफ हो जाए। एक एक्सीडेंट हो रखा है, बस जो है नीचे पुस्ता तोड़ के नीचे घुस चुकी है पार्किंग में। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, इसी चक्कर से मेरे ख्याल ट्रैफिक यहाँ पर जो है चल रहा है एट अ टाइम। और ये देखो बस कहाँ पर घुसी हुई है। ये देखो बस और कार कहाँ पर घुस रखी है। की पूरी रेंज दिखती है जहाँ पर आपको बर्फ़ ही बर्फ नज़र आ जाएगी यहाँ पर। और इस टाइम पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, सुहाना मौसम हो रखा है, और बारिश वगैरह भी हुई थी यहाँ पर कल हल्की फुल्की, तो इस चक्कर से थोड़ा और अच्छा हो चुका है मौसम। मेरे साथी जो है आगे जा चुके हैं, और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ थोड़ा ब्लॉग वगैरह शूट कर रहा था। ठीक लगा हुआ है क्योंकि चार धाम यात्रा अभी स्टार्ट हो गई, तो गंगोत्री यमुनोत्री का यही रूट है अगर आप देहरादून से जा रहे हो। तो यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है यार, मतलब आज किस्मत थोड़ी साथ नहीं दे रही है क्योंकि हर जगह जगह ट्रैफिक लगा हुआ है। कैंपटी फॉल पहुँच चुके, और ये सामने आप वाटरफॉल देखते हो, मेरे ख्याल दिख ही रहा होगा हल्का फुल्का। और भाई भीड़ भाड़ जो है काफ़ी हो रखी है इस टाइम पे, और ये प्रदीप भाई मेरे साथ। और इस टाइम पे हम ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहे भीड़ भाड़ में जाना, क्योंकि कोविड भी हल्के हल्के फैलते जा रहा है जैसे सुनाई आ रहे हैं केसेस यहाँ। तो घर निकल लेंगे यहाँ से थोड़ी देर में, क्योंकि हम तो लोकल है इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग्स मैंने यहाँ का बनाया नहीं था, तो इस चक्कर से मैं यहाँ पर आ गया था। और काफ़ी चढ़ाई चढ़ के हम थोड़ा ऊपर आ गए, ये थोड़ा सा वाटरफॉल है। हम यार वहाँ मेन कैंपटी फॉल नहीं गए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रखी है, और इस टाइम पे वहाँ पर गंदगी भी और गंदगी भी काफ़ी हो रखी है। तो इस टाइम हमने वहाँ अवॉइड करा, हम कैंपटी फॉल से ऊपर की तरफ आ गए, पुल से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी और भीड़ भाड़ भी कम है, तो यहाँ पर इंजॉयमेंट करते हैं थोड़ी देर बाद, और अभी थोड़ा फोटोशूट कर लेते हैं। अब फाइनली घर से भी फ़ोन आ चुका है मम्मी का कि कहाँ पर है, तो मैं घर में बता के नहीं आया था, तो मैंने अब बता दिया है कि मैं कैंपटी फॉल आ रखा हूँ। तो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी जो मैंने पार्क की है वो वहाँ पर भी 10 मिनट लग जाएंगे मुझे पैदल जाने में। तो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, खा पी लिया है, इंजॉयमेंट कर लिया है। और
घर निकलते हैं क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है घर से निकले हुए, और घर से वालों का भी फ़ोन आ चुका है 2-3 बार, और एक सीन हो चुका है यहाँ पर, अब हमें रिटर्न जाने नहीं दे रहे, तो बोला दूसरा रूट ले लो क्योंकि यहाँ से मसूरी घूमने के लिए जो आपको रास्ता दिख रहा है जहाँ वो कार आ रही है 200 मीटर हमें घूम के जाना पड़ेगा मसूरी की तरफ, क्योंकि आगे ट्रैफिक काफ़ी हो रखा है, तो इस चक्कर से जो है पुलिस वालों ने वन वे कर दिया है वो। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और हवा भी जो है काफ़ी सही चल रही है, मतलब मसूरी में तो थोड़ा ठंडा था पर यहाँ पर थोड़ा जो है टेम्परेचर हाई है। देख रहे हो पहाड़ों में किस तरह से खेती होती है, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ को कटिंग करके उसमें खेत बनाए जाते हैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। गाइस क्या गांव क्या प्यारा लग रहा है यार, और नज़ारा तो एक अल्टीमेट है यहाँ के। फाइनली 5 किलोमीटर बाद हम कैम्पटी रोड पे पहुँच चुके हैं, ये हमारे गाइस वहीं से पैदल पैदल आते गए 2-4 किलोमीटर, और हम पूरे 5-6 किलोमीटर का राउंड मार के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब चलते निकलते, और आ गया है ये वीडियो का एंड करने का टाइम, अब चलते चलते इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके फॉलो करो चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये बी सेफ राइट सेफ टाटा टिल देन बाय बाय।